नमस्कार, मैं रचना और आप देख रहे हैं मीडिया डिजाइन न्यूज। हिमाचल प्रदेश में 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को सितंबर की पेंशन के साथ पिछला एरियर भी मिलेगा। इसका लाभ करीब 3,000 पेंशनरों को होने जा रहा है। राज्य सरकार के प्रधान सचिव वित्त दिवेश कुमार ने इसके कार्यालय आदेश 28 अगस्त को जारी किए, मगर पेंशन देने से संबंधित औपचारिकताओं को इससे पहले पूरा करना होता है। यह एरियर 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लागू होने के साथ किए गए पेंशन में संशोधन के समय से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में 15 अगस्त को यह घोषणा की थी कि 75 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनरों को शेष बचे एरियर का 50% चुकता कर दिया जाएगा, यानी इससे पहले पेंशनरों की 55% एरियर दिया जा चुका था। अब 45% एरियर ही शेष है जिसे देना बाकी है। हिमाचल प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले प्रशिक्षकों को प्रति माह 10,000 रुपये वेतन मिलेगा। साथ में 10 माह के लिए ही वेतन दिया जाएगा। 2 माह की छुट्टियों की अदायगी नहीं की जाएगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों के भर्ती नियम अधिसूचित किए। 21 से 45 वर्ष की आयु के 12वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के लिए पात्र होंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में 2 वर्ष का डिप्लोमा या नर्सरी में BEd होना अनिवार्य रहेगा। 1 साल का डिप्लोमा करने वाले भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। आउटसोर्स आधार पर इनकी भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उद्योग मित्र नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार की ओर से उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी का युक्तिकरण किया गया है और पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य के उद्योगों की सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही है। सुक्खू ने कहा कि 33 KV से 220 KV तक की वोल्टेज आपूर्ति वाले बड़े उद्योगों को पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की तुलना में 1 रुपये प्रति यूनिट से अधिक सस्ती दरों पर बिजली दी जा रही है। इससे यह प्रमाणित होता है कि हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को अभी पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती बिजली का लाभ मिल रहा है। राज्य में केवल 159 है जिनकी आपूर्ति वोल्टेज 33 KV से 220 KV तक है। सुक्खू ने कहा कि विद्युत सब्सिडी के युक्तिकरण से प्रदेश के उद्योगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन उद्योगों से प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है और प्रदेश सरकार इनके निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और उद्योग मित्र नीतियाँ सुनिश्चित की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फिर दोहराया है कि हर भोजनालय, फास्ट फूड, रेहड़ी पर मालिक का पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा। विक्रमादित्य सिंह ने भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिए जाने पर समाचार एजेंसी ANI को बताया कि हाल ही में हिमाचल में जो घटनाएँ हुई हैं उनमें शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी है और नगर पालिका से कहा कि राज्य में समय समय पर टाउन बिल्डर, किसी भी राज्य से लोग रोजगार के लिए आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हिमाचल प्रदेश में HRTC केलांग डिपो की कुल्लू काजा के बीच बस सेवा 15 अक्टूबर से आधिकारिक रूप से बंद हो सकती है। अभी इस मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन HRTC बस सेवा अब अगले साल ही मिल सकेगी। अब देश विदेश के यात्री और स्पीति घाटी के लोग कुंजमदरा होकर कुल्लू काजा के बीच 20 दिन तक की निगम की बस से सफर कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नगरोटा, सूर्या, बैजनाथ, पपरोड़ा से कांगड़ा तक 26 सितंबर से 2 रेलगाड़ियां आवाजाही शुरू कर देंगी। रेलवे बोर्ड ने इन रेलगाड़ियों की समय सारणी